मिंटी, स्माइली, चिंटू और टिंकू चारों फ्रेंड्स कैंपेनिंग के लिए जंगल में आए होते हैं। वहाँ वे हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन चिंटू थोड़ा डरपोक था और वो बोलता है, हाइड एंड सीक वो भी इतने घने जंगल में? ना बाबा ना, मैं नहीं खेलने वाला। पर औरों के समझाने पर चिंटू मान जाता है। स्माइली थोड़ा अंदर जंगल की ओर जाती है, जिसे वह पकड़ी ना जाए और गेम जीत जाए। खेल खेल में स्माइली को पता नहीं लगता और वे जंगल की बहुत अंदर आ गई। वहां चारों तरफ घना जंगल दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता क्यों किस ओर जाए। तभी उसे एक जगह रोशनी दिखाई देती है। वह उस रोशनी की ओर बढ़ती है, इस सोच में कि शायद वहां उसे कोई मदद करने वाला मिलेगा। थोड़ी ही देर में स्माइली उस जगह पहुंच जाती है। उसे वह जगह बड़ी अजीब और डरावनी लगती है। तभी उसको किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। स्माइली बहुत घबरा जाती है और डर से उसकी चीख निकल जाती है, और यह चीख शैतान डॉक्टर जेजे सुन लेता है और अपने बनाए रोबोट से कहता है, देख कर आओ बाहर कौन हमारी बातें सुन रहा है। रोबोट 2 मिनट में स्माइली को पकड़कर शैतान डॉक्टर जे के सामने ले आता है। स्माइली को देख कर डॉक्टर हंसकर कहता है, ए लड़की तू यहाँ क्या कर रही है? स्माइली बहुत घबराए हुए स्वर में बोलती है, अंकल मुझे कुछ मत करना, मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ कैंपेनिंग पर आई थी और यहाँ गलती से आ गई। और इस तरफ मेंटी, चिंटू, टिंकू तीनों परेशान हैं। स्माइली को इधर उधर ढूंढने में लगे हैं। धीरे धीरे तीनों जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। चिंटू को रोशनी दिखाई देती है। चिंटू ने मिंटी और टिंकू दोनों को रोशनी दिखाई। मिंटी ने बोला, शायद स्माइली इसी तरफ गई होगी, हमें भी चलना चाहिए। तीनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे।